अगर आपको लगता है कि अभी भी आपकी लाइफ के अंदर कुछ कमियां हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो सब कमियां पूरी हो जाएगी, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करूंगा कि अपनी लाइफ को रिच कैसे बनाएं। देखो, रिच होने के लिए मैं थोड़े बहुत आपको टिप्स दूंगा, उसे ध्यान से सुनना। पैशनेट लोगों के साथ रहो। देखो, मुझे घूमना फिरना बड़े लोगों के साथ बहुत मज़ा आता है, उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, सब चीज़। जैसे लोगों के साथ आप रहोगे वैसे आप बनोगे। देखो, किसी बड़े आदमी के साथ घूमने फिरने का मतलब ये नहीं है कि सलमान के साथ डिनर करने का या शाहरुख के साथ लंच, ये सब है नहीं। आप किसी भी माध्यम से उसके साथ में अटैच रह सकते हैं। ईमेल है, ट्विटर पे बहुत सारे लोग हैं, उसके फैन पेजेस अवेलेबल है, उसके बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं। उसके साथ टच में रहो, मतलब कि बड़े लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में रहो, उसके साथ इंटरेक्शन करो, उन लोगों के साथ जुड़े रहो। तो क्या उसके माइंड के अंदर क्या चल रहा है वो धीरे धीरे आपके माइंड के अंदर घुसेगा और बड़ी सोच आपके दिमाग के अंदर क्रिएट होगी। देखो, पैशनेट पीपल जो चीज़ पढ़ते हैं वो सब चीज़ों को पढ़ो। अगर आपको पता नहीं कि वो लोग क्या पढ़ते हो, तो उन लोगों से पूछो कि आप क्या पढ़ते हो, वो सब चीज़ें पढ़ो। अच्छा दिमाग के अंदर डालोगे तो अच्छा आपके साथ होगा और आपकी लाइफ रिच बनेगी। सिंपल सी बात है। फॉलो पैशनेट लीडर्स। बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ना, उन सब लोगों को फॉलो करो। हम MS धोनी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, अगर सब ना आए बट थोड़ी थोड़ी चीज़ भी अगर हमारे अंदर आ जाए ना, तो वो हमारी लाइफ को सुधार सकती है, हमारी लाइफ को रिच बना सकती है। तो उन सब की क्वालिटीज़ को स्टडी करो, उसके बाद में उसको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करो। ओके, फाइनली मैं आपको क्या करना है कि डेवलप योर पैशन। आपको अपनी पैशन खुद बनाना है और ध्यान देना है कि हर रोज़ आप वो अपने पैशन के एक एक स्टेप नज़दीक होते जाओ। ओके, और जब से आपने ये सब करना शुरू कर दिया, तब से आपकी पर्सनालिटी एक रिच पर्सनालिटी हो जाएगी और आप एक रिच पर्सनालिटी के लिस्ट के अंदर आ जाओगे।